एक्चुअली सारे हैसल्स के बाद थोड़ा सा लाइटर मोमेंट होता है कुणाल और नंदिनी की ज़िंदगी में, जहाँ पे कुणाल नंदिनी के लिए सरप्राइज़ प्लान करता है, टेरेस पे उसे बुलाता है और उसके साथ एक अच्छा सा डांस करने की कोशिश करता है और उसे रिंग देता है और बेसिकली उसे प्रपोज करता है और एक अच्छा सा लाइटर मोमेंट होता है और फिर उसी बीच में यहाँ पे कुछ ड्रामा भी होता है। वही ड्रामा है कि जब प्रपोज़ जब मैं करता हूँ उसे, तब वो बहुत खुशी खुशी रिंग एक्सेप्ट कर लेती है और बीच में लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद जब मैं वापस आता हूँ, उसका मूड कम्प्लीटली चेंज होता है एंड शी इज़ इनटू सम डिफरेंट जोन विच कुणाल डजंट अंडरस्टैंड्स, और उसे पूछता भी कि वो क्या हुआ बताओ मुझे, पर वो नहीं बताती। पर उसको एक ऐसा फ़ोन कॉल आया होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है और वो अपने डिसीजन पे डगमगा जाती है। बाय द वे, ये मैं बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करता हूँ कि कुणाल किसके पास जाना चाहता है, कुणाल नंदिनी के पास जाना चाहता है या फिर मौली के पास जाना चाहता है। जो राइटर्स जो डायरेक्टर्स मुझसे करवाते हैं, मैं उसके पास चला जाता हूँ, फिर कहा जाता हूँ बिन पेंदे का लोट। दोबारा आई रिपीट दिस कि ये कुणाल को, एक्चुअली नॉट कुणाल को, शक्ति को उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है कि वो किसके पास जाए, पर ये राइटर्स जो हैं ये कुणाल को कभी नंदिनी के पास भेजते हैं, कभी मौली के पास भेजते हैं। सो मैं हाथ खड़े करता हूँ आप लोग को, जिसके पास भी मुझे पहुँचाना चाहते हैं आप लोग जिस जोड़ी को ज़्यादा पसंद करेंगे वो जोड़ी ज़्यादा चलेगी। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ।